ओ भाई साहब, यहाँ पर बस एक्सीडेंट आज सुबह हुआ क्या? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आज हम निकल चुके हैं नए एक सफर पर और आज का मौसम कुछ ऐसा है, बारिश सुबह से हो रही है यार। गोवा में बारिश रुकती नहीं है और अभी मैं बस भी नहीं मिल रहा था मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से, इसलिए मैं अभी लिफ्ट लेके ये अंकल के साथ जा रहा हूँ डोडामार्ग तक। और आज का प्लान बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, हम बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। बहुत तेरी, यहाँ पर क्या हो गया यार? ये तो बस पलट गई है। अरे अंदर कोई होगा क्या? नहीं नहीं कोई, अभी यहाँ पर लोग तो नहीं है लेकिन बस पलट चुकी है यार। ये रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा है, उसके वजह से दो बस एक साइड से मतलब एक रास्ते से गुजर नहीं सकती। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनेरी। तो गाइस अभी हम मनेरी पे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है मनेरी रिवर, इसे कहते हैं मनेरी रिवर। और इस साइड जो है ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो सुबह मैं निकला था घर से, मैं निकला था करीबन 7 बजे, उसके बाद मैं वहाँ से कोई बस वगैरह चलता नहीं है तो वहाँ से मैंने लिफ्ट लिया और लिफ्ट लेके मैं डोडामार्ग तक आ गया। डोडामार्ग से लेने आया है अमोल मुझे, है ना अमोल? और टीवी है क्या? हाँ टीवी वगैरह का है। हाँ यूट्यूब में डालता हूँ, यूट्यूब में वो डालो ना। हाँ ये भी मैं अभी शूट कर रहा हूँ, एक्सीडेंट है ना? हाँ अभी एक्सीडेंट हुआ, वो देख के आया। बहुत एक्सीडेंट होता है कॉर्नर पे उधर, अभी देख के आया। बस वो पलट गया है, बस वो पलट गया है। बस सपोज पलट है ना तो बहुत ये होता था, पलटा नहीं ठीक है लेकिन बहुत एक्सीडेंट। नमस्कार सर, ये रोड 4 साल से ऐसा ही खराब है, बहुत बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत लोग मरा है, तो ये रोड के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं, कृपया इस रोड के ऊपर ध्यान दो। ये बस अभी एक्सीडेंट हुआ है, दो बस छूटने का रास्ता नहीं है, बस पलट जाता तो बहुत आदमी मर जाता था, ऐसा एक्सीडेंट नहीं होने के लिए कृपया ये रोड के ऊपर ध्यान दो। अभी आते वक्त हमने रास्ते पे देखा कि एक बस पलट चुका है और वहाँ पर हमने देखा, मैंने एक वीडियो भी लिया, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसी बारे में अंकल कह रहे हैं कि ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो इस पर गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए और ये रोड को अच्छा बनाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट वगैरह से बच जाए। क्योंकि अभी एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं लोगों को कुछ हुआ कि नहीं, अभी उसमें तो कोई लोग नहीं है लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, मैंने देखा है खुद अपने आँखों से। तो ये बोलना चाहते हैं ये अंकल। थैंक यू सर। तो गाइस हम यहाँ से जाने वाले हैं अम्बोली, अम्बोली वाटरफॉल एंड बहुत सारे प्लेसेस विजिट करेंगे, तो आपसे मैं वहीं पर जाके बात करता हूँ। एंड बस ये रास्ते पे ये जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा तो मैंने सोचा नहीं यहाँ पर कुछ वीडियोस ले लेते हैं एंड ये वीडियोस आपको भी दिखाते हैं, और उधर जाके मैं आपको बताऊँगा हम लोग किधर जा रहे हैं, फुल डिटेल्स आपको दूंगा। और गाइस इधर से व्यू देख सकते हो, कितना ज़्यादा खूबसूरत व्यू है, सूरज इस तरफ से है इसकी वजह से शायद ये जो ब्यूटी है अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरफ पूरा क्लियर है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये साइड का ब्यूटी ज़्यादा सुंदर है ये साइड। चलो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो यार गाइस उस अंकल को देख के लग रहा था कि वो अंकल असल में बहुत ज़्यादा परेशान है इस रास्ते को लेके, क्योंकि ये रास्ते की वजह से उन्हें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हर एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए उस अंकल ने हमें कहा कि एक वीडियो बना के डाल दीजिए, तो मैंने उनको कहा कि देखिए आप बोलेंगे ये चीज़ तो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे आपके बात, मैं बोलूँगा तो अलग बात है, लेकिन आप इस जगह पर रहते हो, इस जगह पर आप डेली इधर से गुजरते हो तो आप बोलेंगे तो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे एंड ये शायद कुछ एक्शन भी लिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। महाराष्ट्र पर ये अम्बोली वाटरफॉल पर जा रहे हैं और रास्ते पे देखिए इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे। तो गाइस आई थिंक हम 50 किलोमीटर से भी ऊपर आ चुके हैं एंड आने के बाद अभी एक लोकेशन पे हम रुके हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन है, आगे एक मंदिर है बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर, तो मैंने सोचा नहीं ये मंदिर आप सभी को दिखाता हूँ और मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। तो अभी मंदिर पे आए हैं, मंदिर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। टेम्पल थापेश्वर टेम्पल, ओके कुछ ऐसा नज़ारा है। इस मंदिर के दर्शन हो चुके हैं एंड मंदिर के दर्शन होने के बाद अभी हम यहाँ से फिर निकलेंगे, थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं आपसे, थोड़ा बात कर लेते हैं आप सभी से। आज का प्लान हमारा क्या है वो हमें अमल भाई बताएंगे। अमल भाई बताइए क्या प्लान है, किधर जाने का है आज हमें? हमको अम्बोली जाना है, अम्बोली वाटरफॉल देखेंगे, उसके बाद वहाँ से 10 किलोमीटर आगे। अच्छा अम्बोली से 10 किलोमीटर आगे, वो पॉइंट रिवर्स वाटरफॉल है। रिवर्स वाटरफॉल, हाँ मतलब उधर पानी गिरता है और हवा के वजह से उसको फिर रिवर्स ऊपर जाता है। हाँ रिवर्स ऊपर जाता है। अच्छा उसको उस पॉइंट का नाम है कावड़े सात पॉइंट। अच्छा अच्छा वहाँ से टाइम मिला तो हिरण्यकेशी एक टेम्पल है, हिरण्यकेशी टेम्पल वहाँ जाएंगे, उसके बाद बाबा वाटरफॉल है। और उधर एक रिवर का नाम भी बोला था हिरण्यकेशी, वही
अच्छा, रिवर के सामने वाटरफॉल है, उधर हम जाएंगे। पहला जो हमारा प्लान है वो अम्बोली जाएंगे, अम्बोली वाटरफॉल, उसके बाद उधर से हम जाएंगे रिवर्स वाटरफॉल, और रिवर्स वाटरफॉल का व्यू बहुत ज़्यादा मस्त है, मैंने नेट पे देखा है। बाद आता है हम जाएंगे बाबा वाटरफॉल, और हिरण्यकश्यप जो टेम्पल और नदी उधर ही है, तो होता है तो उसको भी कवर करेंगे अगर टाइम होता है तो, क्योंकि हम सुबह निकले थे 7 बजे से, लेकिन ये घूमते घूमते करीबन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा। हाँ, ज़्यादा होगा, सिर्फ मतलब जाने के लिए, सिर्फ जाने के लिए। मैं जहाँ से मतलब आया था, मेरा रूम जिधर है वहाँ से लेके जहाँ तक हम घूमेंगे, मतलब सिर्फ जाने का जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, और फिर आने का तो यही, तो उसी वजह से देखते हैं अगर टाइम के अंदर सब कुछ कवर होता है तो हर एक चीज़ कवर करेंगे, या फिर अगर नहीं होता है तो फिर जो हिरण्यकश्यप रिवर और टेम्पल है उसको स्किप करेंगे, क्योंकि वो उसका जो लोकेशन है शायद थोड़ा अलग है, मतलब हम जिस रास्ते से जाएंगे उधर से थोड़ा अलग है, इसलिए उसको स्किप करना पड़ेगा, और जो हमारे रास्ते पर गिरता है उसको हम कवर करेंगे, अगर टाइम बचता है तो हम सब कवर करेंगे। ये आज का प्लान। और अभी ये मंदिर में आए हैं, मंदिर को भी देख लिया है, अभी यहाँ से चालू करते हैं। और जो नेचर तो क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत है, फ़ोन से तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाता हूँ, गोप्रो होता तो काश कर लेता नेचर, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। इधर से आम्बोली 50 किलोमीटर, मतलब आम्बोली एक टाउन है या विलेज? आम्बोली टाउन है, टाउन ही है एक, हाँ पूरा फॉरेस्ट एरिया रहता है। अच्छा अच्छा, फॉरेस्ट एरिया है और आम्बोली एक टाउन है, तो आम्बोली से, और आम्बोली से तो वो वाटरफॉल भी तो दूर रहेगा ना? कौन सा बाबा वाटरफॉल? नहीं नहीं, आम्बोली वाटरफॉल जो है वो घाट में ही मिलता है। अच्छा, उधर ही मिलेगा? हाँ, वो आम्बोली पे ही मिलेगा। और बाबा वाटरफॉल उधर से कितना दूर रहेगा? वो 10 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, आम्बोली 10, बाबा वाटरफॉल 10 किलोमीटर। हाँ, और वो कावड़े सात पॉइंट 10 किलो, दोनों को कैसे जाना पड़ता है? इस साइड कावड़े सात पॉइंट रहता है, इस साइड आम्बोली बाबा वाटरफॉल रहता है। अच्छा, ओके चलो ठीक है, मिलते हैं उधर ही जाके आपसे, और अगर बीच में कुछ इंटरेस्टिंग मिले तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा।